हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो एक और व्लॉग आ गया यार। आज मैं कुछ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लेकर आया हूँ मैं। और कहाँ लेकर आया हूँ यार, आज आपको बचपन की याद आने वाली है अपने, क्योंकि आई थिंक आपने बचपन में देखा होगा एक ब्रेड मिलता था, स्वीट ब्रेड उसे हम कहते थे, वो मिलता था 1 रुपया 50 पैसा आई थिंक। सो तो इसी प्राइस में कुछ मिलता था बचपन में, और वो उसके बाद अब मिलना ही बंद हो गया था। तो ऐसा नहीं है यार, दिल्ली में अभी भी एक दो जगह ऐसी जहाँ पर वो चीज़ मिलती है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर मिलती है, वहीं लेकर चल रहा हूँ मैं आपको। तो बने रहो, बी इन टच, एक्सप्लोर करेंगे साथ साथ, सब कुछ दिखाऊंगा। तो अब चलते हैं। तो यार याद हो तो अगर बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो वहाँ पर गली के अंदर एक अंकल आते थे जो एक स्वीट ब्रेड लेकर आते थे साइकिल पर, और 50 पैसे या 1 रुपीज़ का उसको देते थे। वीडियो को पूरा देखना, इंटरेस्टिंग होने वाली है, बचपन की याद ताज़ा होने वाली है। तो यार जो यहाँ पर लोग खा रहे हैं, पहले हम उनसे रिव्यू लेते हैं कि मतलब उनका रिव्यू क्या है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बाकी सारी बातें। तो भैया आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पर, तो मतलब कैसा है, आपने फर्स्ट टाइम आई थिंक ट्राई करा है, तो कैसा है इसका टेस्ट कैसा है? मतलब 10 रुपये में और 15 रुपये में अंकल ये ब्रेड दे रहे हैं, और आई थिंक ये आज मैंने ना इससे पहले ये ब्रेड बाहर भी खाई है, बट यार उधर उनके पास सेम चीज़ होती है, बट ये है ना कि इतना क्वांटिटी नहीं होता, प्राइस रहता है। ओके, बट यहाँ पे टेस्ट भी अच्छा है और क्वांटिटी भी ज्यादा है, ब्रेड की मोटी है, मतलब बेकरी की ब्रेड है। हाँ, मैंने सुना है अंकल ने काफी स्पेशली बनवाते हैं ब्रेड को। ओके, ये वही है, बड़ी ब्रेड अच्छा है। ओके, और 10 रुपये में यार और क्या ही चाहिए, ऑब्वियसली यार सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। कल से पूछते हैं कि ये यहाँ पर ये खा रहे कितने टाइम से, यहाँ पर आ रहे तो अंकल कितने टाइम से आप आ रहे हो? 5-6 साल हो गए। तो आप मुझे बताओगे, मतलब ये 10 रुपये और 15 रुपये में सिर्फ ये दो ब्रेड देते हैं, और आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि ये मतलब इतने प्राइस में आई थिंक कहीं और मिलता होगा भाई। इनको भी तो कुछ बची रहा, तभी तो दे रहे, अच्छा है, सबको खाने को मिलता है। और अभी आप ये देख रहे हो यहाँ पे 15 के 2 ब्रेड लिखा है, और साथ में ये रसगुल्ला भी देते हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये दिख रहे होंगे आपको रसगुल्ले ये, और ये ब्रेड्स हैं। भैया हैं ये, जो ये मुझे बताएंगे यहाँ पर कि इनका मतलब कैसा यहाँ पर रहा है, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया है, तो भैया बताओगे आप ज़रा? हाँ जी सर जी। तो मुझे ये बताओगे मतलब आप क्या प्राइस का दे रहे हो आप इसका? अभी ये सर जी रसगुल्ले 15 के 2 और ब्रेड 10 का 1 पीस। ठीक है, और ये मतलब 15 के 2 है मतलब, और ब्रेड भी मैंने सुना आई थिंक आपके फादर यहाँ, कितने टाइम से ऐसा लगा रहे हो आप यहाँ? मैं सर जी करीब 8-10 साल से मैं लगा रहा हूँ। 8-10 साल हो गए आपको लगाते लगाते? ठीक है, और आई थिंक मैंने सुना है आपके पापा से भी मेरी बात हुई थी। नहीं नहीं, वो मेरे फूफा जी हैं, मैं भतीजा हूँ। फूफा जी हैं वो आपके? मैं भतीजा हूँ। तो उनसे जो क्या है मेरी बात हुई थी, तो मैं उन्होंने मतलब मेरे को बताया था कि वो काफ़ी 40 साल से यहाँ पर लगा रहे हैं, और पहले आई थिंक ये लाजपत नगर में भी लगाते थे। ओके, तो मतलब इन्होंने बताया भी था कि मतलब ब्रेड भी जो लगा रहे हैं वो एक अलग तरीके से लगा रहे हैं, मतलब एक अलग से कस्टमाइज़ करवाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे आप एक बार खिलाओगे फिर मैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो यार मैंने ये देखो अभी ये ली है, तो इसमें मतलब ब्रेड में देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर हम पहले मैं अगर बात करूँ तो उन्होंने नॉर्मल ब्रेड की तरह नहीं, इन्होंने खुद ये ब्रेड बनवाते हैं, और ये स्पंज भी देख रहा हूँ ये थोड़ा सा टाइट है, लेकिन यार 10 और 15 रुपये में आप क्या ही लोगे। जैसे मैंने भी आपको बताया स्कूल के टाइम पर ही हमारे 1 या 2 रुपये का आता था सिर्फ, और अब तो बहुत ही कम जगह पर ये मिलता है, तो अब तो देख ही ले आप 10 रुपये में ये चीज़ मिल रही है, वो भी दिल्ली के अंदर, वो भी बहुत कम जगह पर है, आई थिंक 1 या 2 जगह पर ही है। तो अभी एक मैंने आपको दिखाई दिया है, तो ये भीड़ देख लो यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग इनके पास यहाँ पर आते हैं। तो यार अब मैं आपको बता दूँ कहाँ पड़ता है ये, देखो सोमी नगर आपने देखना होगा, साकेत के पास है, साकेत और रोहतास के बीच में पड़ता है सोमी नगर, वहाँ ये पड़ता है, और आपने देखा होगा नेहरू प्लेस से एयरपोर्ट जाने वाला जो हाईवे है उसी के बीच में ये पड़ता है। पर यहाँ पर कैसे पहुँचना है एक बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा साथ साथ, और मैं इनका नंबर भी जो है वो भी आपको यहाँ पर मैं नीचे आ रहा होगा लिखा हुआ नंबर में, आप इनको कॉल करके आ सकते हो। सो गाइज अब चल रहे हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, और अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो क्या करना है पता है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो तब तक के लिए बाय बाय।